इतना बड़ा नहीं भरे भाई मैं अभी। Hey, what's up guys? Welcome to my channel, Raj Vlog। तो आज का vlog कुछ ऐसा होने वाला है कि आज मैंने मेरा मोटो ब्लॉगिंग सेटअप तैयार कर चुका है, तो उसके बारे में आपको वीडियो देखने मिलेगी। और ये मेरा फर्स्ट मोटो ब्लॉग है, तो इसको प्यार दीजिएगा। देखिए आप सब लोग। ऐसे ही राउंड अप लेके आता, देखता हूँ सही है क्या। चलो डन है। आता हूँ अकेले, एक राउंड अप लेके आता है। देखता ना एक अपने को सेगमेंट बैठेगा ना, एंगल बराबर है क्या। नहीं नहीं इधर ही नॉर्मल बड़ी। चलो चलो। ओ ये सी दिस गाय, सी दिस गाय। अरे स्वामी नंबर 1 बुलशिट का। हां चल चल चल। अरे वेट वेट वेट, सब सब किया, सब जुगाड़ पे चल रहा है जिंदगी, जुगाड़ पे चल रही है अपनी जिंदगी। ओए हेलमेट, हेलमेट में सबकी नजर है अपनी। निकलते निकलते पहले यहाँ से लाइट चालू कर, नहीं लाइट अभी बंद रहने दे। तो जनता लोग जैसे कि मेरे इंस्टा, जो लोग मेरे इंस्टा पे हैं उनको पता है कि मैंने मेरे बायो में लिखा हुआ था मोटो ब्लॉगिंग इन फ्यूचर। तो गाइस फ्यूचर आ चुका है, गाड़ी भी आ चुकी है, अब डेली मोटो ब्लॉग्स भी आएंगे। अब ऐसा नहीं कि खाली मोटो ब्लॉग भी आएंगे, ब्लॉग्स भी आएंगे। अगर आप तुमने मेरा आर्य कॉन्या ब्लॉग नहीं देखा तो जाके देखो और चेक करता है इसका मोटो ब्लॉगिंग का स्कोर। देखो मैं एक चीज बता दे रहा, पेट्रोल मेरे को पता नहीं है कि नहीं, मैं एम टी बता रहा हूँ। जहाँ बंद हुई वहां धक्का देना पड़ेगा, इसके लिए मैं तुझे बुला लिया, मतलब भाई आज यहाँ। लेकिन एक बात बोलेगा, मोटो ब्लॉगिंग करने का ना एक चीज बहुत अच्छी लगती है, पूछो क्या। बार बार कैमरा हाथ में नहीं पकड़ना पड़ता, हेलमेट में ही रहता है। और आज पूरा दिन मैंने सेटअप बनाने में ही डाल दिया मालूम है, पूरा दिन। ये बोलते ना इंसान को कोई चीज करना रहता तो उसके सामने आ जाते, बहुत भाई मचता उसको, वैसे हो गया मेरे साथ, बहुत भाई मची थी। इसके लिए फटाफट ज्वाइंट किया कैमरा, कैमरे का अपना एक प्रॉब्लम है, बैटरी इसकी खराब हो चुकी है, बैटरी हो चुकी है इसकी खराब। उसका बैटरी का खर्चा पड़ेगा अपने को अच्छा खासा, दो बैटरी मंगाएंगे 2000 रुपये लगेगा। चलो ये इसमें एंगल कैसा आ रहा है, तो प्लीज डोंट जज मी। अरे दादा जाओ, दादा जाओ, हमारी गलती है पर क्या करें, जाओ 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 जाओ, चलो चलो। अभी मैंने इसका जब सेट किया ना, मुझे खुद को नहीं पता कि इसमें एंगल क्या आ रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ज्यादा नीचे का दिखा रहा है, फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा ऊपर का दिखा रहा है। हेलमेट में भी थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा, ये पीछे का बहुत ये तो ब्रॉड, इसको ऐसा करना पड़ेगा मेरे को। तो उसके लिए भी करते हैं कुछ, धीरे धीरे जुगाड़ वाला अपना सेटअप बनाएंगे। ओके ऊपर ही मिलते हैं। फैमिली को भी मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। अरे यार कौन फोन कर रहा है, तो भाई का कॉल आ चुका है, अब रुकना ही पड़ेगा। जी भैया जी बोलिए। मैं चढ़ा रहा हूँ पवई का ढलान, वन वे वाला। तो कहाँ जाएगा पवई से फिर? पवई से मैं जाऊंगा तो घर पे ही वापस। ठीक है भाई क्या करे, अब उसका बुलावा आ गया, अब जाना ही पड़ेगा वहाँ पर। क्या करे जनता लोग, आज आपको पवई लेक नहीं दिखा सके हम। दिवाली तो आज ही है ना, आज लक्ष्मी पूजन है, लक्ष्मी पूजन। अभी यार यहाँ से लेना अपने को राइट टर्न लेके बीच में जाना पड़ेगा, कुछ जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। तो रेलिया सिग्नल खुला है, हमें राइट लेना है।
भाई साहब जनता लोग, आप लोग को बताया ही नहीं मैंने कि मेरी गाड़ी कौन सी है। ये अपने TVS Ntorq BS4 इज अ नॉट अ रेस एडिशन बट स्टिल इज BS4। अगर एक्टिवा के अंदर, मतलब एक्टिवा और स्कूटी के अंदर मानोगे, स्कूटर के अंदर, मुझे ये एप्रिलिया से भी ज़्यादा पावरफुल लगा। बहुत अच्छा इसका है पिकअप, स्पीड तो बोले मत, ऐसे ऐसे लहरती है ऐसे। मजा आ रहा है। देखो ऐसा तो रोज हम लोग घूमते ही है, पर आज मेरा जब इतने सब काम खत्म होने के बाद मैंने सोचा कि मेरा मोटो लेकिन स्टैंडअप क्यों नहीं बना। मतलब बना लेते आज तो, बनाने के चक्कर में बहुत टाइम बोलते हैं ना, सबसे मेन टाइम लगता है इसका ये एमसील टूटने का, अपना पूरा उसके ऊपर ही टिका हुआ है। वाह मैडम जी क्या राइट लिया, ये है सेवन स्टार। बचपन से देखो उसमें एक भी स्टार नहीं लगे, खाली नाम ही सेवन स्टार है इसका, चालू ही नहीं हुआ अभी तक। हाँ पहले रात में लाइटिंग चालू कर देता, आया रहेगा कुछ पे ऑर्डर आया रहेगा। वाह ये भी सिग्नल बंद हो गया, अपने को इधर रुकना है क्योंकि अपना सिग्नल चालू नहीं होगा। इतना बड़ा नहीं भरे भाई मैं अभी। मिथोली ईस्ट रोहित के पास जाना, कैमरे की इज्जत तो देखो। हाय भाई हाय, अरे हाय हाय ऐसा हाय ना करो। देखो जनता लोग आप सबको बताया जा रहा है, मुझे जज मत करना क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम मोटो ब्लॉग है। कैसा भी बने आप लोग दिल से उसको प्यार दो, मेरे को बढ़ावा दो, प्लीज सपोर्ट, पॉजिटिव वाले कमेंट करो। पप्पा निकलते, ये कहाँ चला गया? इसका अभी मेरे को वॉइस चेक करना पड़ेगा, वॉइस का मेन कैसा वाटर प्रूफ केस में ना, तो ये बात आवाज इसका ज्यादा आता नहीं रहेगा, अभी इसको ढूंढना पड़ेगा किधर गया। देखते फोन भी नहीं लेके आता है। कहाँ गए थे बचुआ? कहाँ थे इतने देर से तुम? अपसेट भाई मैं बोला गया आज मैं, अरे गाड़ी भी नहीं चली गई। अरे तो मैं आया अन्ना से मिला, बोला क्या है भाई साहब समीर भाई छोड़ के चल लोगे तो बस हो गया। नहीं यार ये सब नहीं करूँगा, मेरी आदत है मैं जिसके साथ जाता हूँ मैं उसको अपने साथ ले जाता हूँ, अपने से ज्यादा ख्याल उसका रखता हूँ। देखो आए थे बाहर मोटो ब्लॉगिंग का टेस्ट करने के लिए और घर उन्होंने लगा दिया काम पे, आगे काम के सामान लेने के लिए। मेरे साथ ना इसी होता, मैं किधर भी सोचता ना फ्री टाइम के लिए निकलू तो घर वाले लोग काम दे ही देते, रिक्शे वाले लोग भी फोन पे बात करते चलाते, इन लोग का भी अलग सा है। चलिए करारेदार टर्न लेते हुए 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 अपना गोप्रो रहे जाए कोई दूसरा कैमरा भी, एक्शन कैमरा कोई भी रहे, और रात में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है क्योंकि सब जगह से लाइट इतनी कम हो जाती है ना कि वो मतलब एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ पे मैं डिटेक्ट करूँ, कैसा फेस मतलब कैसा लुक ये दिखाऊँ, पिक्चर क्वालिटी दिखाऊँ, क्योंकि वो है इतना सा। सेकंड चीज कि उसको लाइट चाहिए रही थी, अभी फोन का कैमरा तो ऑन करेगा उसमें बराबर तो मतलब ये होएगा बराबर अच्छी क्वालिटी आएगी, लेकिन सब एक्शन कैमरों में यही फॉल्ट होता है, कल स्क्रू हो गया है। पूछो कैसे बोलेगा नहीं कैसे, वो ऐसे है कि मैंने मेरे इंस्टा में आज से 1.5 साल पहले लिखा था, मैं मतलब मेरे प्रोफेशन के बारे में लिखा था कि मैं ये चीज़ें करूँ मतलब करता हूँ, मेरे को ये चीज़ें करने अच्छी लगती है। आज वही चीज़ हो गया है कि मैंने लिखा था मोटो ब्लॉगिंग इन फ्यूचर, मुझे पता नहीं था कि ये मतलब दिन इतने जल्दी आ जाएगा, 1 साल 1 या 1.5 साल के अंदर ही आ जाएगा। बहुत खुशी हो रही है,
आज मोटो ब्लॉगिंग करते हैं। ओए ओए पाँव वाले अंकल, राइडर कहाँ से निकाला है? ये पाँव वाले लोग ऐसी है बाबा, वो चैलेंजिंग लोग है देख, विदाउट हेलमेट का रख के फायदा क्या इनका बताओ? हेलमेट नहीं रखे कलम करा दो इनको, इतनी तुम तो सलामी दे दो। क्या है ना, अभी तो उड़ गई रहती रिक्शा। इसे कहते हैं भाई का खौफ, यू नो भाई का खौफ। मिल गया भाई का खौफ। अब डालो भाई अंदर, आधे से ज्यादा तो यही देख के शौक हो जाएंगे कैमरे पे क्या लगा, हेलमेट पे क्या लगा दिया।